आधुनिक दौर में दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर हुए हमले की आंच अब हिंदुस्तान पहुंच गई है। सत्ता के हस्तांतरण से पहले अमेरिका के कैपिटॉल हिल्स में हुई हिंसा को लेकर पूरी दुनिया में ट्रंप और उनकी पार्टी की किरकिरी हो रही है। वहीं अब इस मामले को लेकर दिल्ली के कालकाजी पुलिस स्टेशन में इस मामले से जुड़ी शिकायत दी गई है। ये विंसेंट पी एक्सेवियर करके एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर है जो यूएस में जाके डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल में जो अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें इंडियन फ्लैग भारतीय झंडे का उसने जो है लहराया है, जो भारतीय झंडे का और जो है अपमान है। धारा 15-124 है आईपीसी में जो है ये पनिशेबल है। मेरी जो है रिक्वेस्ट है ट्विटर और जो है फेसबुक से उसका अकाउंट है बंद किया जाए और जो है इस तरह की घटना भविष्य में ना हो। भारत सरकार से मेरी अनुरोध है कि इस तरह की कार्रवाई पर तुरंत संज्ञान लें। भारत एक शांति प्रिय देश है और इस तरह की घटनाएँ जो हैं देश के लिए ठीक नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसके लिए मैंने कंप्लेंट दी है और मेरी ये गुजारिश है मेरी कंप्लेंट पे इस पे कार्रवाई हो। बता दें कि अमेरिका में हुए कैपिटॉल हिंसा के दौरान भारतीय झंडा लहराने की तस्वीरें सामने आई थी। भारतीय मूल का 94 वर्षीय विंसेंट जेवियर ट्रंप समर्थकों के साथ तिरंगा लेकर पहुंचा था। दिल्ली के कालकाजी इलाके में शिकायत दर्ज करवाने की बात को लेकर अधिवक्ता दीपक ने बताया कि आईपीएस के तहत इसका प्रावधान है। कालकाजी में इसलिए दिया है क्योंकि कालकाजी में मेरा ऑफिस है जहां मैंने इंटरनेट पे जो है ये देखा और जहां मुझे लगा वो इंटरनेट पे जो है अगर आपको कोई भी पब्लिश कोई भी विजन आप देखते हैं तो अपने नज़दीकी क्षेत्र में आप जाके एक शिकायत दे सकते हैं। ये आईपीसी का ज्यूरिडिक्शन में आता है। तिरंगे की तस्वीर को लेकर कई नेताओं ने भी आपत्ति जताई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसे हिंसक प्रदर्शनों में किसी अन्य देश के झंडे का इस्तेमाल कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत, दिल्ली।